Welcome back to my channel once again. In this video, I'll talk about the properties of Karl Pearson coefficient of correlation. So let's get started. The very first property that I already explained in the introduction video, when the correlation is there between the two variables, जब दो variables के बीच में correlation exist करता है, then the value of R, which is the coefficient correlation, would lie between -1 to +1. It can be any value starting from -1. It can be 0. It can be till 1. So it will neither be less than -1. It will neither be nor will be more than +1. And it can be 0. If the correlation is absent, अगर correlation दो variables में exist ही नहीं करता, then R की value 0 होती है. This is the very first property. Now the second property, it takes into account all the items of the variable. जिन दो variables के बीच का relationship हम study कर रहे हैं, analyze कर रहे हैं, उनके अंदर की सारी items, सारी observations, सारी values को consider करके ही correlation निकाला जाता है, किसी को jump out या miss नहीं किया जाता है. Number third, it measures both the directions as well as the degree of change. कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन ना सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इनके बीच का रिश्ता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है कि कम होता है, बल्कि ये भी बताता है कि इनकी डिग्री ऑफ चेंज है कितनी है, क्या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप है या बहुत ज्यादा वीक रिलेशनशिप है. तो ना सिर्फ ये आपको डायरेक्शन बताता है बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ चेंज और डिग्री ऑफ चेंज भी बताता है. नाउ द फोर्थ वन, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल कोरिलेशन, जहां पर आपने गलती से दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन एज्यूम कर लिया है, इसे हम नॉनसेंस या स्पूरियस कोरिलेशन भी कहते हैं. अगर आप ऐसे एक्सीडेंटल कोरिलेशन पर ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे, तो आप गलत कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं. The value of R in that case would lead to fallacious conclusions. अगर मैं ये कहूँ कि एक तरफ the number of earthquakes are rising and एक तरफ the cases of COVID are also rising, so there is no the values of the number of cases rising in a week or in a month of COVID-19 and the number of earthquakes or the number of fire accidents happening somewhere in the country, do you think there is any relationship? No. But अगर मैं घोड़ों और गधों को सामने रख के जबरदस्ती उनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके निकालूं तो कुछ ना कुछ तो R की वैल्यू आ ही जाएगी. सो आप जबरदस्ती जो ये स्पूरियस या नॉनसेंस कोरिलेशन निकाल रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल कोरिलेशन है जो कि आप कहीं पर भी स्टडी कर सकते हैं, किन्हीं भी वेरिएबल्स के बीच में स्टडी कर सकते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स जो हैं ये आपको गलत कंक्लूजन्स की तरफ ही लेकर जाएंगे. आर डज नॉट ऑलवेज प्रूव कॉजेशन, इट इज सिंपली अ मेजर ऑफ वेरिएशन. आर की जो वैल्यू है कि ये नहीं बताता कि कौन सा है वेरिएबल कॉज और कौन सा वेरिएबल है इफेक्ट, ये कॉजेशन नहीं प्रूव करता, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि एक के वेरी होने पर दूसरा वेरिएबल कैसे वेरी करता है. इट इज सिंपली अ मेजर ऑफ कोवेरिएशन. देन बात करते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की. जो हमारा कोफिशिएंट का कोरिलेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ ओरिजिन. इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप x और y, ये जो दोनों वेरिएबल्स है, x और y दोनों की या एक किसी वेरिएबल में कांस्टेंट अमाउंट ऐड कर देते हैं सभी आइटम्स के अंदर, या कांस्टेंट अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सभी आइटम के अंदर से, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड. आपके आंसर r पर, जो कि आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी. इसका मतलब हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये r जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ ओरिजिन. अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस ऑफ स्केल के बारे में. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. अगर हम x और y जो दो सीरीज हमारे पास है, इनके सभी वैल्यू सभी आइटम्स के अंदर हम कोई कांस्टेंट फिगर मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट अनचेंज ही रहेगा, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देन बात आती है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में. बेसिकली ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है r है, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं मेरी आगे आने वाली वीडियोस के बारे में
के अंदर. अभी तो मैं कोरिलेशन डिस्कस कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट यूनिट जो होगा आई विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ रिग्रेशन. तो रिग्रेशन जो होता है, दिस इज रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड दिस इज रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स वेरिएबल. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, बेसिकली हम इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, क्योंकि दो आइटम्स का ज्योमेट्रिक मीन यही होता है उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट. सो बेसिकली अगर हम दोनों के रिग्रेशन का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, बेसिकली हम दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, तो हमें घुमा फिरा कर वापस से आर ही मिल रहा है. सो आर इज ऑल्सो द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट. इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, एक्स और वाई का ज्योमेट्रिक मीन भी आर का अगर हम ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो भी आपका आर ही आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ही आता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स. आर जो है, इसका आंसर जो है, आप सिर्फ माइनस वन से लेके वन तक की रेंज में देते हैं. ये एक सिंपल एक फिगर है, ये सिर्फ आपको डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है. ये कोई अगर आपके दोनों वेरिएबल सेंटीमीटर में है, या अगर आपके दोनों वेरिएबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्म में है, ये दोनों वेरिएबल जो है वो किलोमीटर्स में है, तो आपका आर का आंसर सेंटीमीटर, किलोमीटर या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं आएगा, बल्कि एक सिंपल से एक वैल्यू होगा जो कि माइनस वन से लेकर वन के बीच में कहीं भी हो सकता है. और सिंपली आपको स्ट्रेंथ दिखाता है, ना इसके पीछे परसेंटेज लगता है और ना ही इसके साथ कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट जुड़ती है. इट वर्क्स बोथ वेज, चाहे आप कोरिलेशन ऑफ एक्स विद वाई निकाले या आप कोरिलेशन ऑफ वाई विद एक्स निकाले, आपका आंसर दोनों तरफ से सेम आता है. बात करते हैं 11th प्रॉपर्टी की. इफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर लीनियरली रिलेटेड, अगर इन दोनों के बीच का रिश्ता लीनियरली रिलेशनशिप है, उसके केस में हम इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. Then the correlation coefficient between x and y will be positive 1, जो कि है positive a, so we get positive 1. If we have the relationship between x and y as minus ax plus b, अगर इनके बीच के रिश्ते की जो equation है, if it is expressed as minus ax plus b, तो correlation of coefficient between x and y in that case will be, since this is minus a, so it will be minus 1. अगर हम इफ द साइन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इज चेंज्ड, द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंजेस. अगर हम सभी वैल्यूज का साइन बदल देते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल्स के साइन बदल देते हैं, तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन भी बदल जाएगा. अगर हम मैं एक्स सीरीज में सिर्फ साइन बदल दूं, वाई सीरीज में कोई साइन ना बदलूं, तो मेरा जो आर का आंसर है उसका भी ऑटोमेटिकली से साइन बदल जाएगा. अगर वो पहले पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव कर दिए सारे वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल के सारे आइटम्स को, तो मेरा आर भी नेगेटिव हो जाएगा और वो नेगेटिव कोरिलेशनशिप शो करेगा. सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉपर्टीज. Do watch out my next video in which I'll be talking about the typical problems of coefficient correlation जैसी exam में पूछी जाती हैं. आपसे simple सवाल किसी भी university में कभी नहीं पूछे जाते. तो अगर आप एक university student है, school student नहीं है और आप ये video देख रहे हैं, तो आपको next video जरूर देखनी है, जहां पर बात करी जाएगी तीन very important questions on coefficient of correlations. Thanks for watching. Bye bye. Stay connected. Take care.